नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो बीएसएनएल तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देखना दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आप लोग 2020 में यदि एंट्री लेवल के अच्छे प्लान लेना चाहते हैं, चाहे आप पूरा 2020 जो है बहुत ही सस्ते में निभना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों 2G सिम कार्ड यूजर्स के लिए, जो दोस्तों कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, गैस बिल, बिजली बिल, तमाम तरह के ऐसे जरूरी बिलों में या फिर जरूरी चीज़ों में अपना नंबर को रजिस्टर करवाए हैं, जहां से उनको सिम कार्ड को चालू रखना अनिवार्य है, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2020 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा यदि आप लोग ये वीडियो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सबसे सस्ते प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो बीएसएनएल या फिर तमाम सिम कार्ड ऑपरेटर्स के लिए, जो सरकार की तरफ से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया है, जिससे कि दोस्तों 2020 के जनवरी में, ठीक है, इस मंथ में दोस्तों यहाँ पे एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो बीएसएनएल तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्लान जो है वो हाइक फिर से होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा झटका है। यहाँ दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि 20-25% या फिर 40% तक फिर से हाइक हो जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं यहां पे बता दूं दोस्तों, सरकार की तरफ से यहां पे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर से जो है जीएसटी के रूप में फी लिया जाता है, जो दोस्तों जनवरी से मार्च तक में क्लियर करना होता है। तो इस साल के जितने भी जीएसटी फी बने हैं 38,000 करोड़ के अप्रोक्स बने हैं, ये मैं दोस्तों कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये एक अनुमान मैं बोल रहा हूँ, 38,000 करोड़ के अप्रोक्स जो भी जीएसटी बनी है, तो सरकार जो है अभी वो पे नहीं कर पाएंगी। सरकार की तरफ से साफ इशारा है, इसके ऊपर सरकार ने जो है मीटिंग बुलाई थी सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। तो इससे दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है जो न्यू सिम कार्ड ऑपरेटर्स है या फिर बोल लीजिए जियो जो है, इनको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं पे दोस्तों एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो बीएसएनएल तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है इससे घाटा होने वाला है। तो ये लोग जो है अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि जीएसटी के तौर पे मोटे रकम जो है इनको वापस नहीं आने वाले हैं, इससे जो है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्लान हाइक होने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं एयरटेल की, आइडिया की, वोडा की, जिनके 2G सिम कार्ड यूजर्स हैं, सिर्फ सिम कार्ड को चालू रखते हैं तमाम इमरजेंसी के लिए, कि कोई भी मैसेज आए, बैंक का हो, गैस का हो, बिजली बिल का हो, फिर आधार कार्ड का हो, किसी भी तरह का हो। दोस्तों मैं वीडियो में एक दो मिनट और आपका लूंगा, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए मेंबर हैं तो चैनल को जरूर से लाइक प्रेस कर देना, ठीक है? तो ब्लैक कलर के लाइक बटन को ब्लू कर दो सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, रेड बटन को क्लिक करके वहीं पे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? और वीडियो को पॉज करना थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, और आप लोग अभी किस टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, यदि आप लोग एयरटेल आइडिया वोडाफोन के 2G सिम कार्ड यूजर्स है और दोस्तों यहाँ पे जो है रेंट प्लान के लिए सोचते हैं कि सबसे मिनिमम प्लान जो अपने सिम कार्ड को चालू रखने के लिए वो कितना लगेगा, दोस्तों यहाँ पे एयरटेल ने साफ साफ कर दिया और अपने दो प्लान को मेंशन कर दिए हैं, 45 का और 49 का, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों आपको 45 के प्लान में जो है आपको मिलेंगे 45 दिनों के लिए आपके सिम कार्ड चालू रहेंगे, टोटली 28 दिनों का ये वैलिडिटी प्लान है। यहाँ पे 28 दिनों तक आपके कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, कॉल जाएंगे, ठीक है? इसमें आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं 49 का प्लान अभी तक मेंशन है एयरटेल पे, यहाँ पे 49 के प्लान में आपको 38 का जो है टॉक टाइम मिलता है, वहीं पे आपको दोस्तों यहाँ पे भी 28 डेज का वैलिडिटी मिलता है। तो दोस्तों 45 का प्लान जो है अब वो रह जाएगा, 49 के प्लान को जो है डिस्क्लोज करने के ये है, ठीक है, कगार पे है यहाँ पे एयरटेल। वहीं पे 23 का जो प्लान आ रहा था एयरटेल में वो खत्म हो चुका है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की, 24 से अभी भी प्लान है जिसका वैलिडिटी आपको जो है 14 दिनों की मिलती है, 100 ऑन नाइट मिनट है और कुछ SMS है, ठीक है, इसमें 14 दिनों की वैलिडिटी है। वहीं पे 28 दिनों की वैलिडिटी यानी 1 मंथ की वैलिडिटी बोल लीजिए, तो वोडाफोन आइडिया में अभी जो है 1 मंथ की वैलिडिटी जो है यहाँ पे आ रही है आपका 49 से, जिसमें 38 का टॉक टाइम मिलता है। वहीं पे दोस्तों जियो का बात कर लेते हैं, जियो स्मार्टफोन सिम कार्ड यूजर्स के लिए जियो अभी जो है 98 का प्लान चला रही है। 98 के प्लान में आपको जो अनलिमिटेड जियो से जियो कॉलिंग मिलते हैं, वहीं पे आपको 10 का 20 का IUC टॉपअप लेना पड़ता है अदर पे कॉल करने का, और इस प्लान में आपको 2GB डेटा भी प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों ऑल टेलीकॉम का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 1 ईयर का कंपेयर इस वीडियो में बताने वाला था, और दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्लियर करने वाला था कि अभी जो है आपको 28 डेज की, यानी आपको अपना सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गैस बिल, बिजली बिल, किसी भी तरह के इमरजेंसी यूज के लिए जो आपको सिम कार्ड रखना है उनके लिए मैं दोस्तों आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक साल के प्लान के लिए भी आपको ये वीडियो मैं बता रहा था। दोस्तों अभी आपको, अभी के डेट में आपको सही क्या चुनना है, अभी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों अभी के डेट में यदि आप अपने सिम कार्ड को चालू रखना
रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कंपनी बीएसएनएल में स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जहां आपको 45 से मिनिमम प्लान तय हो रहे हैं, 49 से मिनिमम प्लान लग रहे हैं, 98 से मिनिमम प्लान लग रहे हैं, वहीं पे आपको बीएसएनएल जो है सबसे तगड़ा ऑफर दे रही है। सरकारी कंपनी है और अपने जनता की हित को देखती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बीएसएनएल में पोर्ट करना पड़ेगा। पोर्ट करना बहुत ही आसान है, 2 से 3 दिनों में आप पोर्ट कर पाएंगे। पोर्ट के लिए आपको सिंपली आप एयरटेल आईडिया वोडाफोन से मैसेज करेंगे 1900 पे, ठीक है, कैपिटल में पोर्ट लिखेंगे, स्पेस देके आपको वही मोबाइल नंबर जिससे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं और सेंड कर देना है, आपको पोर्ट कोड आएगा। आप नजदीकी बीएसएनएल के दुकान पे जाएंगे, वहां पे आपको सिम कार्ड परचेज करके दे देगा जो 1 से 2 दिन में चालू हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि वहां पे 28 डेज के लिए जो मैंने मिनिमम प्लान बोला था, यहां पे 74 से एक प्लान आता है जो बीएसएनएल का है, ये लॉन्ग टर्म से प्लान चलते आ रहा है, ठीक है। इस प्लान में आपको क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे 180 दिनों तक आपके सिम कार्ड चालू रहेंगे, 180 दिन बोल लीजिए 6 महीने के लिए, ठीक है दोस्तों। सबसे तगड़ा बात है कि 180 दिनों के लिए आपका जो है ये सिम कार्ड ओपन रहेंगे, वहीं पे आपको 100 मिनट का कॉलिंग भी मिलेंगे जो शायद 21 डेज के लिए वैलिड है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों आपको 2 GB डेटा भी मिलेंगे, कुछ SMS भी मिलेंगे। यानी आप यहाँ पे एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो बीएसएनएल सभी से कंपेयर करते हैं बीएसएनएल के ये प्लान को जो 74 का है, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड आपको करवा रही है दोस्तों, और सबसे तगड़ा प्लान है दोस्तों, ठीक है। 74 से आप जो है अपने सिम कार्ड को चालू रखेंगे, तो ये 2020 को आप जो है और भी आकर्षक और अपने सिम कार्ड को चालू रखना चाहते हैं और सबसे कम अपने जेब पे बोझ देना चाहते हैं तो दोस्तों अभी बीएसएनएल में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि 74 का प्लान जो है आप एक बार लोगे तो आप जो है 6 महीने तक निश्चिंत हो जाओगे। वहीं पे दोस्तों मैं आपको बात कर लेता हूं 1 ईयर का प्लान, ठीक है। 1 ईयर का प्लान आप यदि अभी ले रहे हो, यदि नहीं भी ले रहे, यदि आपको लेना क्यों चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में क्यों बताया कि आपको ये 1 ईयर का प्लान क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ट्राई जो है एक फ्लोर प्राइसिंग सेट करने वाले है, जहां पे COAI दोस्तों यहां पे एयरटेल आइडिया वोडा की ओर से ट्राई को जो है एक लेटर लिखा था, वहीं पे दोस्तों कंफर्म किया था कि आइडिया और वोडा स्विच डाउन होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। तो इस कंडीशन में ट्राई ने भी दोस्तों यहां पे सभी मामला को देखा और देखा कि ये टेलीकॉम कंपनियां काफी ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, यदि इनका जो है मिनिमम रेट तय नहीं कर दिया गया तो ये कंपनी जो है स्विच डाउन हो जाएगी, कंगाली की ओर चल जाएगी, दिवालिया हो जाएगा। इसलिए ट्राई ने भी आश्वासन दे दिया है कि जून 2020 में यहां पे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्राइस को वो एक फ्लोर प्राइसिंग सेट कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आ जाएगा जहां पे आपको जो है एक मिनिमम प्लान देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपको 200 का प्लान फिक्स कर दिया जाएगा, तो उस 200 का प्लान में आपको जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सभी टेलीकॉम कंपनी का प्लान मिलेंगे, ठीक है। तो यही एक फ्लोर प्राइसिंग हुआ, लेकिन उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है, ये सरकार ही तय करेगी। तो इस कंडीशन में आपको मैंने बताया कि 1 साल का प्लान यदि आप इस जनवरी 2020 में ले लेते हैं तो आपको पूरा जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करके ब्लैक को ब्लू कर दो प्लीज दोस्तों, और इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिव मिलती है और हेल्प मिलती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पे अभी जो प्लान है 2020 से आपको जियो स्मार्टफोन सिम कार्ड यूजर्स के लिए प्लान है, ठीक है, 2020 रुपए से। वहीं पे दोस्तों 2398 रुपए से एयरटेल में प्लान है, वहीं पे 2399 से वोडाफोन आइडिया में प्लान है। जियो में क्या मिलता है आपको, जियो में अनलिमिटेड जियो से जियो कॉलिंग मिलता है, वहीं पे जियो से नन जियो के लिए 12,000 IUC मिनट मिलते हैं, और दोस्तों पर डे 1.5 GB डेटा मिलते हैं और 100 SMS पर डे मिलते हैं। तो ये थे जियो के कारनामे। वहीं पे एयरटेल की तरफ से भी अनलिमिटेड कॉल मिलते हैं, कोई भी IUC का बाउंडेशन नहीं है, और वोडाफोन आइडिया के तरफ से भी कोई भी IUC का बाउंडेशन नहीं है, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल और जियो सभी जो है 1.5 GB डेटा देते हैं, लेकिन जियो से 400 रुपए महंगे हैं, और जियो का सिम कार्ड बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो जियो यूजर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका IUC मिनट बचा रह जाता है, खत्म भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जियो बाजी मार रही है 1 साल के प्लान में। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच मैंने जो शुरू में आपको 1 मंथ का प्लान का जिक्र करा था कि बीएसएनएल जो है 74 में आपको 180 दिनों की वैलिडिटी देती है, और बीएसएनएल का दोस्तों जहां तक बात है 12,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दी है इस 2020 में आपके घर घर तक जो है नेटवर्क अच्छा करने के लिए, नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ से बीएसएनएल जो है यहां पे अपना जो है नेटवर्क को बिछा रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बीएसएनएल में जो है 1 ईयर का प्लान ऑफर कर रही है मात्र 1999 में, जहां पे दोस्तों आपको 60 दिन एक्स्ट्रा, यानी आपको हो गए लगभग 14 मंथ, यानी कि 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल के लिए आपको 3 GB पर डे, 100 SMS पर डे, 250 मिनट पर डे का जो यहाँ पे कैपिंग होता है ये मिल रहा है। तो दोस्तों अभी बीएसएनएल में 1 ईयर का प्लान भी लेने पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है।
तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो बीएसएनएल जो है यहाँ पे बाजी मार रही है। आप लोग 2020 को आकर्षक बनाना चाहते हैं और अपने जेब पे बोझ कम देना चाहते हैं, तमाम तरह की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो बीएसएनएल में स्विच आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यही एक सही मार्ग होगा क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बात कर लूँ कि फ्री रिचार्ज के लिए आपको क्या करना है, कि अभी एक एप्लीकेशन जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो काफी लोग यूज कर रहे हैं, पॉपुलर है, इंडियन लोग यूज कर रहे हैं, इसका नाम फोन पे एप्लीकेशन है। यहाँ आप फोन पे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। फोन पे एप्लीकेशन आपको 200 रुपए रेफर दे रही है, ज्वाइनिंग बोनस भी करवा रही है, 200 रुपए आपको दे रही है, जिसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर बैंक मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, ठीक है, और फोन पे के किसी अदर यूजर्स को 1 से लेकर 100 रुपए तक शेयर करना होगा। यदि आप लोग 1,000 रुपए यूपीआई ट्रांसफर कर देते हो फोन पे से, तो आपको फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन पे 200 रुपए का निश्चित कैशबैक मिलेगा, जिसे आप किसी भी तरह के बिल भुगतान या रिचार्ज में यूज कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड दे रही है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।